लेकिन सोले बनाने वालों, सोले का स्क्रिप्ट लिखने वालों ने भी जुबान नहीं खोला। आजकल उसका भाई जो पता नहीं कितनी कितनी दवाइयां लेता है, मैं प्रभात से कहता हूं कि एक स्टिल इमेज निकालिए बिग बॉस का अमिताभ बच्चन का अंकिता लोखंडे के साथ जो कॉन्वर्सेशन है उसका स्टिल इमेज निकालिए, वीडियो नहीं ले सकते हम, स्टिल इमेज निकालिए। और जरा ध्यान से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि क्लोज करके, या फिर आप वीडियो दिखाइए दिख जाएगा, ध्यान से देखिए इस व्यक्ति का चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि नशे में धुत है, नशे में ही आता है एंकरिंग करने के लिए। आवाज है नहीं कोई थर्ड क्लास की आवाज, किसी जमाने में चिकना चुपड़ा चेहरा था, किसी जमाने में बढ़िया लगता था, आजकल तो इनके चेहरे पर लगती है कि कितना बड़ा ये सरगना है। इसीलिए इसने बिग बॉस रखा, सारे उसी प्रकार के पात्रों का चयन करता है और इस प्रकार से चलता है बिग बॉस, और सब इसको कहता है बॉस। ये बिग बॉस कोरी कल्पना नहीं है, ये बिग बॉस मुंबई की हकीकत है, माया नगरी की हकीकत है इन दिनों बिग बॉस। आप गलत फहमी में हैं कि बिग बॉस एक कल्पना है, टेलीविजन सीरियल है, आप उसे देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये बिग बॉस बिग दरबार चलाता है माया नगरी मुंबई में, बिग दरबार। और बिग दरबार में छोटे मोटे जो एक्टर हैं उसको एक प्रकार से, इस प्रकार से ट्रीट करता है जैसे ये उनके एड हो। ये इस प्रकार की छवि, वो जो बात करने वाला वो दूसरा ड्रेस निकालिए, दूसरा होगा जिसमें वो अजीब सा ड्रेस पहना हुआ है, नीचे चेन लगा हुआ है पैंट में, वो तस्वीर निकालिए अगर निकलती है तो। सारे दर्शक हमारे देखते रहते हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि बिग बॉस जैसे सीरियल को रिजेक्ट कीजिए, उसको मत देखिए। चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है, उसके डायलॉग देखिए, फूहड़ लोग उसके डायलॉग लिखते हैं, फूहड़ लोग उसका स्क्रीन कास्ट करते हैं, और सारे जितने गंदे लोग होंगे सबका वहां पर जमावड़ा होता है। अभी तो हाल में बिग बॉस फेम बाहर में पकड़े हैं, वो कौन सा है, एल्विस यादव, क्या नाम है उनका, बिग बॉस में थे एल्विस यादव, हाँ अभी पकड़ाए हैं एक एल्विस यादव, बिग बॉस में गए थे। तो ऐसे ही लोग वहां पकड़ाते रहते हैं, पुलिस के गिरफ्त में आते रहते हैं। मित्रों, गोल्डन जो दौर था माया नगरी का, वो दौर खत्म हो गया। अब आप अगर उसको, वो लता मंगेशकर का तांगे पे चढ़ के जाना, किशोर कुमार का पीछे पीछे जाना, फिर वहां मुलाकात होना, ऐसे ऐसे किस्से हैं माया नगरी के जो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, और वो गोल्डन एरा थे, वो गोल्डन एरा खत्म हो गया। अब ये माफिया का सिल्वर एरा शुरू हुआ है, वो ड्रग जो है ना वो सिल्वर कलर का होता है, इसलिए गोल्डन नहीं है, वो सिल्वर एरा शुरू हो गया है माफियाओं का। इस माया नगरी को, इस सिल्वर एरा वाले माया नगरी को पूरी तरह से मित्रों ध्वस्त करना है। आदमी छोटा हूं लेकिन मैं बड़े सपने देखता हूं।